हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजू का छोटा संसार। और मैंने आज बनाया है पिज़्ज़ा। देखिए कितना यम्मी और टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन। ये घर का बना हुआ है तुरंत का। देखिए इसे, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। ये देखिए, उसमें मैंने एक चम्मच चीनी ले लिया है, स्वाद अनुसार नमक, और मैंने बेकिंग पाउडर 1 चम्मच ले लिया है, और मीठा सोडा मैंने ले लिया है 1 चम्मच। मैदा में मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी। दो चम्मच तेल डाल देना है इसमें, और इसे मैं नमक स्वाद अनुसार, चीनी और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और मीठा सोडा 1 चम्मच डाल के और इसे गूंथ लेना है। दो बना देना है इसे अच्छे से। देखिए इसका अब डो तैयार हो गया है, और इसे बहुत अच्छा से ही तैयार हो गया। और मैंने इसे 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। मैंने शिमला इस तरह से काट लिया है, प्याज टमाटर डेकोरेट के लिए, और ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने बना लिया है। मैं गैस पे तवा रख चुकी हूँ, और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लगा लिया था। अब मैं इसमें डो बेल के और मैं इसमें डाल दूँगी, और एक प्लेट में मैं तेल लगा रही हूँ रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैंने जो सेक लिया था पिज़्ज़ा बेस उसमें रख ली हूँ, और इसमें मैं जो पिज़्ज़ा सॉस बनाया था मैं उसको लगा लूँगी अच्छी तरीके से, और चीज़ इस पर डाल दूँगी इस तरीके से। देखिए चीज़ अच्छा से डाल दें जितना आपको चाहिए, और शिमला मिर्च से मैं इसे इस तरह के डेकोरेट कर दूंगी। अब मैं कढ़ाई में नमक रख ली हूँ 1 छोटी कटोरी, और उसमें मैंने इस तरह से सजा के रख दिया है। नमक गर्म हो चुका था, और रख के उसके बाद मैंने कढ़ाई से इसे ढक्कन कढ़ाई में ढक्कन से ढक दूंगी। देखिए अब जितना चाहे चीज़ डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, अब ये हो गया है बिल्कुल खाने के लिए यम्मी टेस्टी घर का बना हुआ, बहुत ही साधारण सामान में कम समय में